दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है, आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जानते हैं। हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाते हैं और इस दिन लोग अपने चाहने वालों से प्यार का इजहार कर दिन का सेलिब्रेट करते हैं। जीवन साथी या फिर अपने पसंद के लड़का या लड़की को शादी की इच्छा जाहिर करने के लिए है और किसी को अपने दिल का हाल बताने और इश्क बयां करने के लिए ही प्रपोज डे मनाया जाता है। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। रेप के एक साल बाद तंग आकर महिला ने दर्ज करवाई FIR। भोपाल जिले के एक अशोका गार्डन इलाके में रहने वाली महिला ने एजबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और दुष्कर्म का मामला भी दर्ज करवाया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला के साथ रेप किया गया और इसके बाद बदनामी के धमकी देकर आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसके परेशान होकर महिला ने घटना की शिकायत पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने बलात्कार का प्रयास दर्ज किया और वह आरोपी की तलाश शुरू कर दी। महिला अपने बच्चों को रोज एजबाग में एक ट्यूशन के लिए छोड़ने और लेने जाती थी और इसके दौरान जहां पर उसकी पहचान ट्यूशन के रिश्तेदार से हो गई और जिसके बाद अक्सर दोनों की बातचीत होने लगी और दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया। महिला ने उसे अपने लिए कुछ काम तलाशने को कहा और जिस पर एक साल पहले आरोपी ने उसे काम भी दिलाने के बहाने एक दोस्त के घर ले गया और जहां पर उससे महिला के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे बदनाम करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ दिनों पहले युवक ने महिला के पति को पूरी बात बता दी और इसके परेशान होकर महिला ने एक साल बाद मामले की शिकायत सोमवार को पुलिस को दे दी और पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज करवाया और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी मिलते ही घटना की शिकायत पुलिस को दे दी और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा बलात्कार का दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसे घर पर गई थी लेकिन जहां पर पता चला कि वह किसी शहर से बाहर चला गया है और पुलिस ने मोबाइल सर्विस लाइन के आधार पर आरोपी को लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास किया और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। राजस्थान में होगी एक और शाही शादी, स्मृति ईरानी की बेटी बनेगी दुल्हन। राजस्थान में आज बड़ी शादी होने जा रही है और शादी के सिद्धार्थ और कियारा की और इस शादी के तुरंत बाद ही राजस्थान में एक और शादी होने जा रही है। यह शादी नागौर जिले के स्थित एक पुरानी किले में होने वाली है और किले को आज कल और परसों 3 दिन में होने वाली शादी के तमाम आयोजन के लिए बुक कर लिया गया है। शादी के तमाम आयोजन बेहद निजी रखे जाएंगे और यह सूचना भी नहीं कि इस शादी में कौन कौन VVIP आएंगे और VIP मेहमान आते हैं और यह शादी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैलेन ईरानी की शादी है और शादी के आयोजन देखने के लिए केंद्रीय मंत्री आज जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरती है और इसका बाद ही वह सड़क मार्ग में नारोक जाती है और नागौर में वह खिम्मस कोर्ट के एक शादी से जुड़े 5 से 6 आयोजन रख देती है और इसके शादी के दोनों से एक परिवार लोगों की भी यह शामिल किया जाता है। सुरक्षा बंदोबस्त कोर्ट मैनेजमेंट और सौंपा गया है और शादी के बाद में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है और शैलेन ईरानी ने जुबिन ईरानी के पहली पत्नी की संतान है और इसके बाद ही जुबिन ईरानी के दूसरी शादी की थी और स्मृति ईरानी से और इसकी शादी के बाद उसकी 2 संतान है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खिमनसर कोर्ट करीब 500 साल से ज्यादा पुरानी है और इसके बनने की शुरुआत साल 1523 में होने की संभावना है और बताया जा रहा है कि मारवाड़ा के इस जोधपुर में बसे वाले राव जोधा महाराज की 8वीं संतान के मुगलों के युद्ध करने के दौरान इस किले को निर्माण किया गया था और इस समय नागौर जिला जोधपुर के एक तत्कालीन राजा के अधीन आता है और इस समय इसका निर्माण कराया गया था जो सालों तक चला था और इस दिनों खिमनसर कोर्ट राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिमनसर का मिलवाना था और एक बताया जा रहा है कि अर्जुन और शैलेन की सगाई दिसंबर 2021 में हो चुकी थी। अब चीन में रिलीज होंगी श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी की इस फिल्म को 2012 में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने विश्व प्रीमियर के लीक में दिखा चुका है और प्रदर्शन एक्ट्रेस अभिनेत्री श्रीदेवी और उसके अभिनय की तारीफ करने थके नहीं थे और अब मशहूर फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी की 5वीं पुण्यतिथि पर इंग्लिश विंग्लिश 24 फरवरी को चीन में रिलीज होने वाली है। गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी यह फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से
लेजेंडरी एक्टर श्रीदेवी की 15 साल बाद पर्दे पर वापसी की थी और यह फिल्म गौरी की अपनी माँ से प्रेरित भी, जो एक बिजनेस चलाती थी, लेकिन वह उनकी इच्छा थी कि वह काश अंग्रेजी सीख पाती। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की भी एक विशेष उपस्थिति है। हाल ही में एक इंटरव्यू में चर्चा करते हुए श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने कहा कि चीन में रिलीज होने वाली है श्रीदेवी की दूसरी फिल्म होगी, लेकिन दुर्भाग्य उनकी दोनों फिल्में उनके निधन के बाद ही रिलीज हुई। मॉम इनकी पहली फिल्म थी और दूसरी फिल्म जो निजी चीन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लोगों ने इस फिल्म को भी बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लिश विंग्लिश भी अपना वही जादू बिखेर पाएगी। श्रीदेवी की मॉम चीन में सभी का दिल जीत लिया था और जिससे चीन से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 8वीं भारतीय फिल्म रही थी। आपको बता दें कि श्रीदेवी का निधन उनकी बेटी जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म धड़क के रिलीज होने से ठीक पहले ही हुआ था। इस बीच उनकी सबसे छोटी बेटी खुशी कपूर की इस साल फिल्मों की दुनिया में शुरुआत कर रही है और वह जोया अख्तर की द आर्चीज में सुहाना खान और अगस्त्य नंदा के साथ नजर आने वाली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बन रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।